भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा मॉर्निंग में आकर के, जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी देकर के गए। तो मैम फिलहाल क्या नूह शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या? नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है ना? इंटरनेट बंद है, कल रात आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम प्रीवियस जो राइड्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और SITs हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग SITs हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह CCTV है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम FIR हुई हैं, कितनी FIR तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए FIR का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी, आंकड़ा सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा, विल डू ऑल द एक्शन। नवजीवन हॉस्पिटल, यहाँ आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, महिलाओं की डिलीवरी और भी बहुत कुछ। पता लोनी रेलवे रोड फ्लाईओवर के पास, कॉन्टैक्ट नंबर है 9995850567।